हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली UPSC। ये है आपकी हिस्ट्री की क्लास। इससे पहले की वाली जो क्लास थी उसमें हमने गवर्नर जनरल और बंगाल की गवर्नर, भारत की पहले वायसराय, इन सब के बारे में अध्ययन किया था, क्वेश्चन देखे थे। आज के इस टॉप वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। देखेंगे कि ये विद्रोह कैसे स्टार्ट हुआ, उसके कारण क्या थे, इसके अलावा उसकी जो पूरी पृष्ठभूमि है वो क्या है। और ये दो वीडियो में आई थिंक ये कवर होगा पूरा टॉपिक, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे मेंस हो या फ्री हो, इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो बात करेंगे 1857 के विद्रोह की। तो बात इसके नाम से ही स्टार्ट करते हैं, 1857 का जो विद्रोह है ना, इसे विद्रोह क्यों कहा जाता है, इसे क्रांति क्यों नहीं कहा जाता, या कई जगहों पर कई किताबों में आपको क्रांति लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जो अच्छे कुछ लेखक हैं वो इसे विद्रोह लिखते हैं। तो जो मुख्य कारण है विद्रोह में और क्रांति के बीच में वो क्या है, उसके बीच में डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। शब्दों का अंतर जो है जानना बहुत आवश्यक होता है, विशेषकर ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि UPSC या UBPSC ऐसे एग्जाम दे रहे हैं। और देखिए, क्रांति का जो है तात्पर्य होता है जब बदलाव हो जाए, ठीक है। क्या क्या मतलब होता है, जब बदलाव हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे हरित क्रांति आपकी, तो हरित क्रांति मतलब एक यूनिक आइडिया लेकर आए लोग कि रासायनिक जो है खाद डालिए, पानी की जो है सिंचाई बढ़ाइए, और जो है नए बीजों का उपयोग करके क्या हुआ कि फसलें अच्छी होने लगी। मतलब जो प्रोडक्शन पहले होता था गेहूं का, चावल का, उससे ज़्यादा होने लगा, तो उससे क्या कहा गया, उसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया, हरित क्रांति कहा गया। बट अगर वो केवल एक प्रयास होता तो उसे कुछ और नाम दिया जाता। तो जो है विद्रोह के या लड़ाई के या क्रांति के संदर्भ में जो बातें की जाती हैं उसमें विद्रोह का मतलब होता है कि एक ज़बरदस्त प्रयास, क्या होगा, एक ज़बरदस्त प्रयास था बट वो सफल नहीं हुआ। प्रयास क्या था कि जो अंग्रेजी सत्ता है उसको उखाड़ कर फेंकना है, बट आपने देखा कि कितने तरीके, बहुत ब्रूटली जो है अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह को दबाया था। हालांकि उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ा, पूरी सिस्टम बदल गई, जो है कंपनी से शासन सीधे ब्रिटिश संसद के हाथों में चला गया। बट जो लड़ाई स्टार्ट की थी भारतीयों ने, जो भारतीय सैनिकों ने, वो अल्टीमेट अपने गोल को हासिल नहीं कर पाई, इसलिए इसे क्रांति कहना ज़्यादा उचित नहीं है। चलिए बाकी बात करते हैं। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी, इसीलिए इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कई लोग कहते हैं, ठीक है ना। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल की, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं जनता ने भी अपने आप को जोड़ पाया था। हालांकि ये क्या था, ये एक सैन्य विद्रोह था, इसीलिए जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं वो इसे एक सिपाही विद्रोह मानते हैं। क्या मानते हैं, एक सिपाही विद्रोह मानते हैं। और वहीं भारतीय इतिहासकार इसे भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, भारतीय इतिहासकार के द्वारा इसको माना जाता है। और 1857 का जो विद्रोह है इसे भारतीय विद्रोह या स्वतंत्रता का पहला जो है संग्राम, स्वतंत्रता का पहला संग्राम, इसको विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा कहा गया। तो ये सवाल PC से पूछा भी गया कई बार कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला संग्राम किसने कहा था, तो वो डॉक्टर जो है विनायक दामोदर सावरकर साहब थे, उन्होंने कहा था। तो ये है थोड़ी सी पृष्ठभूमि विद्रोह को लेकर के। बात करते हैं कि उसके कारण क्या थे, रीजन क्या थे विद्रोह के। तो उसमें अलग अलग प्रकार के रीजन हैं, राजनीतिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, और इनफैक्ट तात्कालिक कारण भी हैं। तात्कालिक कारण भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक कारण पर बात करेंगे, विद्रोह के कारण। तो इसमें जो राजनीतिक कारण है उसमें आप देखेंगे कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण थी। क्या, जो इसका एक्सपेंशन पॉलिसी था, जो विस्तारवादी नीति थी, वो जो है सबसे मजबूत कारण थी, राजनीतिक मजबूत कारण थी, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा था कि उन्होंने किस तरीके से झांसी, सतारा, अवध को जो है ज़बरदस्ती अपने जो है उसमें अपने प्रशासन में मिला लिया,
बड़ी संख्या में भारतीय शासकों को और उनके प्रमुखों को उनके पद से हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई और इसलिए झांसी की रानी लड़ रही थी झांसी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि सतारा, नागपुर, झांसी इन रियासतों को अपने अधिकार में डलहौजी ने ले लिया जो है अपने उस हड़प नीति के तहत। जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर भी हड़प लिए गए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया और इसके ऊपर आरोप क्या लगाए गए कि जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और कुल मिलाकर के जो प्रशासन है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, यानी कि कुप्रशासन का आरोप लगा करके उसे क्या कर लिया, अपने पक्ष में मिला लिया, ठीक है ना। और व्यपगत सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यपगत सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक का सामना जो है किया गया था। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था, ठीक है ना। इसका मतलब क्या था, जो व्यपगत का सिद्धांत था वो यह था, यदि किसी शासक के पास खुद के द्वारा बायोलॉजिकल बेबी उनको नहीं पैदा होता है तो किसी दूसरे बच्चे को यदि अडॉप्ट करते हैं तो उस बेसिस पर जो है उत्तराधिकार का जो नियम होगा वो ये नहीं होगा कि वो अपने बेटे उस अडॉप्ट बेटे को दे दें, ऐसा नहीं होगा, और उसके संपत्ति पर जो प्रशासन है उसका अधिकार हो जाएगा। और यही था विभक्त का सिद्धांत, ठीक है ना। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद में या सत्ता त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था, यही था विभक्त का सिद्धांत। इन समस्याओं में ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी शामिल कर लिया, ठीक है ना, जिसमें कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार से दूर हो गए थे तथा लाभप्रद पदों को खो चुके थे। तो ये था राजनीतिक कारण। मुख्यतः ये समझ लीजिए कि जमींदारों की जमींदारी गई और राजाओं के राज के पद गए, और यही मुख्य राजनीतिक कारण था, या यूँ एक लाइन में कहें कि जो डलहौजी की हड़प की नीति थी वही मुख्य कारण था, राजनीतिक मुख्य कारण वही था। सामाजिक और धार्मिक कारण भी इसमें थे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अनुमानस व्यवहार करना प्रारंभ किया, यानी कि अमानवीय व्यवहार जिसे आप कहेंगे वो करना प्रारंभ किया। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था कि जो है एक तरीके से पश्चिमीकरण हो जाएगा देश का, उन्हीं सामानों की मांग होगी जिनका पश्चिम के लोग यूज करते हैं तो जो भारत के लोग हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा एक डर का माहौल धीरे धीरे बन रहा था। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारत की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। इसके अलावा देखेंगे 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया, यानी कि जो वंश के आधार पर जो संपत्तियां मिलती थी उस कानून को बदल दिया गया। इसने भी एक ईर्ष्या का माहौल बनाया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट, ठीक है ना। ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को जो है पदोन्नति मिलती गई, तो कहीं ना कहीं जो एक प्रोपेगेंडा था ईसाई धर्म का प्रचार करने का, उसको बढ़ाने का, वो ये लोग कर रहे थे। जो लोग ईसाई धर्म को अपना ले रहे थे उनको लोग बड़े पद अपेक्षा कर देते थे, उनको उनकी पदोन्नति होती थी, और बाकी जो इस्लाम को मानने वाले थे, हिंदुज़म को मानने वाले थे, उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती थी, ठीक है ना। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से अपमानित किया गया था। इससे लोगों में एक संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारत को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं। सती प्रथा पर कानून बनाया गया था, मैंने बताया था कि सती प्रथा पर विलियम बेंटिक ने कानून बनाया, कन्या भ्रूण हत्या पर कानून बनाया, विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित कर सामाजिक संरचना का जो है एक तरीके से यहाँ पर था क्या, वर्ग जो है बटा हुआ था, जो प्रबुद्ध वर्ग थे वो समर्थन कर रहे थे अंग्रेजों की उस बात का, बट कहीं ना कहीं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था, जो एक सामान्य यानी कि जो है एक आम आदमी जो था ना, वो एक डर के भाव में जी रहा था, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन एकाएक नहीं होते हैं, और जिस तरीके से अंग्रेज एक के बाद एक परिवर्तन लेके आ रहे थे तो उनको डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं पूरे कल्चर को बदल करके लोग रख देंगे, और ये एक सामाजिक कारण भी बना विद्रोह का। तो
शिक्षा ग्रहण करने के लिए पश्चिमी तरीकों के जो है तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को भी चुनौती दे रहे थे। इसके अलावा यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। तो कुल मिलाकर के एक बड़े व्यापक बदलाव को समाज उस लेवल पर नहीं समझ पा रहा था। बुद्धिजीवी वर्ग समर्थन कर रहे थे अंग्रेजों के इस कार्यों का, लेकिन जो आम जनमानस था वो कहीं ना कहीं डर के माहौल में जी रहा था। तो ये जो है एक सामाजिक कारण था। अब देखते हैं आर्थिक कारण क्या क्या थे। तो देखेंगे आप ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर जो है भारी भरकम लगान से बहुत परेशान थे। जो आर्थिक कारण थे उसमें देखेंगे कि जो भारी भरकम लगान टैक्स वसूले जाते थे उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे, और सख्त तौर तरीके यानी कि टैक्स वसूलने के जो तरीके थे वो अमानवीय थे। किसी को कोड़े मारना, ज़बरदस्ती उसके घर से अनाज को लेकर जाना, ये सब तरीके अपनाए जाते थे। तो इससे लोगों में बड़ी घृणा हो गई थी अगेंस्ट द कंपनी, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना। अधिक संख्या में लोग महाजनों के लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो गए थे। ओबियस सी बात है, क्योंकि पेट ना जो बड़ा खतरनाक चीज़ होता है, आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा, कहीं से भी ले गए, चाहे चोरी करके लाएंगे या ईमानदारी से कमाएंगे, कैसे भी खाना तो खाना पड़ेगा या तो जहर खा के मर जाएंगे, दो ही ऑप्शन है। तो जो सर्वाइव कर रहे थे वो कहीं ना कहीं कर्ज में जो है फंस गए थे, महाजनों से उन्होंने कर्जे लिए, लेकिन वो काश्तकार केवल रह गए थे जो भूमि के मालिक होते या नहीं। तो कुल मिला करके उनको जो है एक डेप्ट ट्रैप में फंसना ही था, तो वो फंसते चले गए, और जिसके कारण भी जो है एक असंतुष्टि का माहौल देखने को मिल रहा था। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे, वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, इसीलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज़ है कि जो लड़ने वाले सैनिक हैं वो चाहे अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहे हों या नवाब के लिए लड़ रहे हों, वो सब थे तो किसान ही, वो गांव से गए थे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से गए थे। तो ये जो समस्याएं हैं ना, ये अगर छोटे समाज में फैल रही हैं तो कुल मिलाकर के उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा सैनिकों में, क्योंकि सैनिक जो हैं वो सीधे सीधे उस घर से आते हैं जहाँ पर दाल नमक तेल की समस्या हो रही है। ऐसे में सैनिक जो है ना वो सबसे पहले रिवॉल्ट के लिए तैयार हुआ, और जो 1857 का विद्रोह होता है ना वो यहाँ पर इस चीज़ को स्पष्ट करता है कि जो समस्या थी वो जो आम जनमानस था, मिडिल क्लास था ना, उसके सामने बहुत बड़ी थी। हालांकि नेतृत्व किसने दिया, जो राजनीतिक कारण से जो विद्रोह कर रहे थे, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, नाना साहेब हो, तात्या टोपे हो, इसके अलावा बेगम हजरत महल हो, इन लोगों ने राजनीतिक कारण से विरोध किया, बट जो सेना उनके साथ जुड़ी, जो सैनिक उनके साथ जुड़े, उसके पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण ही थे, ठीक है ना। और जो है देखेंगे कि भारत की जो हस्तकला उद्योग है वो लगभग जो है बर्बाद हो चुके थे। सैन्य कारण क्या थे उनको देखते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। भारत में ब्रिटिश सैनिक के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87% था। आप कल्पना करिए कि 87% कौन है, भारतीय हैं, और उसके बावजूद इस तरीके से उनका शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो लगनी ही थी। उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी में जो है रखा जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। तो कहीं ना कहीं सेना में भी चीज़ें चल रही थी कि वहाँ भी उनके साथ एक जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको वेतन कम मिल रहे हैं, उनको जो है एक तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो उन जो है उनमें जो बहुत सारे लोग हैं उनके मन में एक जो है रिबेलियन की भाव देखने को मिलने लगे। तो ये यही सब एक संगठित रूप से जो है बनता है कारण कि सिपाही विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं। एक भारतीय सिपाही को जो है कम वेतन मिलता है, वहीं पर एक यूरोपीय सिपाही को ज़्यादा वेतन मिलता है। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया जिसमें कहा गया कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र भी पार करना पड़ सकता है। ये भी जो है एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में समुद्र को पार करना पाप के समान माना जाता था। तो कैनिंग का ये कानून भी कहीं ना कहीं सैनिकों के अंदर एक विद्रोह का कारण बना। तो ये थे उसके सैन्य कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, ठीक है ना, और उसकी भूमिका। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उसके तात्कालिक कारण पर।
कैसे उसका इम्पैक्ट हुआ, कैसे उसको दबाया गया और उसमें जो प्रमुख प्रमुख नेता थे वो लोग कौन थे, इन पर बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।